कोई नहीं, आप थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत रखो जी, आप क्या सर क्या बोलूं मैं तुमसे, मैंने तो जैसा सोया मुंह वैसे ही मैंने सब कुछ। शिमला के डाउनडेल से दो दिन से लापता 5 साल के बच्चे के अवशेष मिल गए हैं। बच्चे के अवशेष घर से 1 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे को जानवर ने खाया है और अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई है कि ये अवशेष बच्चे के ही है। बच्चे का सर 800 मीटर की दूरी पर मिला है, जबकि अन्य कुछ अवशेष अलग जगह पर मिले हैं। अब अवशेष का पोस्टमार्टम करने के बाद ही इसका खुलासा होगा। सदर पुलिस स्टेशन के SHO संदीप चौधरी ने कहा कि आज सर्च ऑपरेशन के दौरान घर से 800 मीटर की दूरी पर शव के कुछ अवशेष मिले हैं और इसकी जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि ये इसी बच्चे के हैं। अवशेष का कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि कुछ जानवर है कि क्या? देखो सर, जब हड्डियां मिली है तो जंगल में मिला है तो अब तो जानवर ही लगता है। अगर मेरा बच्चा नहीं मिलता जंगल में तो मुझे शक नहीं होना जानवर पे। मैं किसी सरकार से कोई हमारे बच्चे पे क्लेम नहीं लेना चाहता था, ऐसा नहीं लिखना चाहता था, नहीं बोलना चाहता था कि मेरे बच्चा जंगल में मरा है या उठाया है। जब तक मेरे को प्रूफ ना होता, मैं सत्तावादी आदमी हूँ इस धरती में, शान से क्यों बोलूं, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मैं भाई। ये कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है, मेरे साथ पूरे भाई है इस वक्त, ठीक है? ये मेरे भाई जितने संसार में है ना इस धरती पे, सारे सुन रहे इस बात को, मेरे साथ नहीं हुआ, हर एक भाइयों के साथ हुआ है। हर एक जैसे मेरा बच्चा था वैसे सबके बच्चे है भाई। यही गाइड करता हूँ भाई, जितने भी है अपने अपने बच्चों को कंट्रोल करो, उनका थप्पड़ मारो, किसी भी तरीके से उनको गैर मत जाने दो। अगर जाने देंगे तुम तो उसके अधिकार स्वयं तुम ही होगे। इसके ऊपर बच्चों की पाबंदी मत लेना, किसी के ऊपर विश्वास मत करना। मैं आखिरी कार अपने जो लड़के का बाप, देखिए एक डाउनडेल के नीचे मंदिर के जो पुजारी हैं वहाँ बच्चा मिसिंग था, दो दिन से हम सर्च कर रहे थे, पुलिस टीम थी, उनके बच्चे के परिजन थे और पूरा दिन सर्च किया हमने, कल भी सर्च किया था परंतु कल कोई सुराग नहीं हाथ लग पाया था। आज हमने परिजनों के साथ ही मिलके, फॉरेस्ट की टीम भी साथ में थी, तो सर्च आउट किया है। तो जो डाउनडेल के साथ नीचे को जंगल है बाईपास के साथ, वहाँ पर एक स्कल मिला है। उसका अभी कुछ बोल नहीं सकते कि क्या है या नहीं, और कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसमें जैसे भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट आगे बोलेंगे, आगे फिर देखते हैं क्या बनता है। सर अवशेष कहाँ कहाँ मिले सर, अगर बात करें आप डाउनडेल के पास? देखिए अभी डाउनडेल के साथ एक छोटे बच्चे का बोल सकते हैं स्थल मिला है, बाकी थोड़ी हड्डियाँ मिली हैं हमें। अब यहाँ धोबी घाट, ये जो लालपानी से नीचे को है, या नीचे जंगल में जाके कुछ और अवशेष मिले हैं, बच्चों के हैं, आदमी के हैं या किसके हैं, इसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। कल जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पोस्टमार्टम करवाने के बाद आगे कोई ओपिनियन दे पाएंगे। क्या मामला लग रहा है सर आपको, किसी जानवर की बात की जा रही है? अभी इसके बारे में एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, हम तो कुछ भी बोलना अनुचित होगा क्योंकि जो एक्सपर्टीज है वो तो एक्सपर्ट ही है। बॉडी पार्ट सारे मिल गए हैं सर, क्या कंप्लीट है? बॉडी पार्ट जो हमारे पास मिले हैं उसी की बेस पे कल पोस्टमार्टम होगा, जो भी आगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट सजेस्ट करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। ऑपरेशन क्लोज कर दिया गया है सर? फॉर द टाइम बीइंग अभी क्लोज है।